आजकल इंडियन हॉकी कहते ही ओडिशा का याद आता है और कलिंगा स्टेडियम का ये चमचमाता हॉकी स्टेडियम 2018 वर्ल्ड कप का याद सबको दिलाता है। वर्ल्ड कप की ठीक पहले ओडिशा सरकार ने हॉकी के पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ओडिशा में ऑर्गेनाइज किए थे दो फ्रेंडली मैच, ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स टीम एंड ओडिशा 11 के साथ। और ये मेरा सौभाग्य था, न्यू साउथ वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए ओडिशा सरकार ने मुझे लायजनिंग अफसर नियुक्त किया था। ऑफकोर्स बाद में मैं 2018 वर्ल्ड कप में टीम बेल्जियम का भी लायजनिंग अफसर था। ऐसे तो हॉकी खेल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन एक विदेशी टीम के साथ साथ रहने का मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ओडिशा सरकार के प्लान के हिसाब से 1 नवंबर एंड 4 नवंबर 2018 को दो मैच खेला जाना था। न्यू साउथ वेल्स का टीम का ये कोच ब्रेंट लिवरमोरे खुद एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के तरफ से। ये सीरीज़ का पहला मैच 1 नवंबर को भुवनेश्वर में खेला जाना था और 4 नवंबर को राउरकेला में। कैप्टन ऑफ न्यू साउथ वेल्स टीम कॉट लॉवर्ट एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। आज के दौर में इंडियन हॉकी कहते ही पहले ओडिशा का नाम आता है। ओडिशा का कई प्लेयर इंडियन हॉकी टीम के पार्ट भी है और इंडियन हॉकी टीम का स्पॉन्सर भी ओडिशा गवर्नमेंट सरकार ही है। ओडिशा 11 टीम पहला मैच 5-1 से जीत गए थे और हम पहुँचे थे अभी राउरकेला इस एग्जीबिशन मैच का सेकंड मैच के लिए, जहां ओडिशा का चीफ मिनिस्टर लगभग 25,000 दर्शकों से भरा राउरकेला की इस स्टेडियम का नज़ारा ही कुछ और था। ओडिशा टीम का कैप्टन और इंडिया का स्टार प्लेयर अमित रोहिदास इसी शहर का निवासी है। ओडिशा सरकार का ऐसे भव्य आयोजन और हजारों दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम देख के न्यू साउथ वेल्स का प्लेयर खुद ही बहुत रोमांचित थे। इस मैच में न्यू साउथ वेल्स 3-2 से ओडिशा टीम से जीत गया था। पूरी सेलिब्रेशन के मूड में हम टीम के साथ ट्रेन पे वापस लौटे थे भुवनेश्वर, और उसके बाद शुरू हुआ था भुवनेश्वर पूरी साइट सीइंग का सिलसिला। मंदिरों का शहर भुवनेश्वर देखने के बाद टीम पहुंचा था पूरी एंड कोणार्क सूर्य मंदिर। ये टीम का ऑफिशियल फोटोग्राफर मिस्टर एलन टन। टीम मैनेजर मिस एलेक्सा एंड कोच मिस्टर ब्रेंट हमारे दोस्त बन चुके थे। पुरी में फेयर होटल में ये टीम का भव्य स्वागत। नवंबर को टीम का बाय बाय भुवनेश्वर।